गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.2 क्लास 4 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 2 से फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ आपको डिवाइड ही करना है, उसका कोशेंट और रिमाइंडर आपको निकालना है। आप 5479 को 10 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना बहुत ही ईजी रहता है क्योंकि 10,000 लाख की टेबल इजी रहती है। जैसे आपका देखिए, ये आपका 10 से हमने डिवाइड किया तो आप 54 को किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से। तो 10 5 जब 55 आ गया, अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 में 5 कट गया, 0 आ गया, और 4, और ये आपका 7 उतर के आ गया 47। तो 10 4 जा 40 का 4, ठीक है। अब आपका 4 माइनस हो गया तो 0 आ गया, 0 आ गया, और आपका 7 उधर आया, ये आपका 0 आ रहा है, यहाँ भी आपका 0 आ रहा है क्रॉस करने पे, ठीक है। अब आपका 10 7 जाए 70, ठीक है, 10 7 जाए 70, तो आपका क्या 7 9 आ गया आपका नीचे, और ये आपका 7 में 7 गया, तो ये क्या आ गया, आपका 0 आ गया। तो आपका कोशेंट कितना है, इसको कोशेंट कहते हैं, ये आंसर जो होता है उसको कोशेंट कहते हैं। जो नीचे आपका बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर कितना है आपका 9, और कोशेंट है आपका 547। क्वेश्चन नंबर 2 है 7512 डिवाइडेड 100। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो मैं लाइन से नहीं करा रही हूँ, मैं आपको 4 डिवाइड सिखा रही हूँ अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। 7512 को हमने 100 से डिवाइड किया, अभी आपने 10 सीखा, अब हम 100 सीख रहे हैं। तो आपका 100 के टेबल, तो आप क्या करेंगे, 700 से डिवाइड करेंगे, 700। अब आपका क्या हुआ कि आपका 1 आ गया नीचे और 5 आ गया, 7 में 7 लेस हुए तो आपके कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपका 512, अब ये 2 नीचे उतर के आ गया, ठीक है। तो आप कितने बार भाग देंगे, आप 5 बार भाग देंगे, 5 बार, तो 100 5 जब 500 में अब इसको 512 को माइनस करेंगे तो 2 और ये 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 12, और आपका कोशेंट कितना है 75। इसी तरह आपका यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन है कि 1000 से आपको डिवाइड करना है। अभी आपने 10 सीखा, 100 सीखा, मैं आपको 1000 सिखा रही हूँ। तो 32025 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1000 से करेंगे तो 3000, ठीक है। अब आपका 2 माइनस करने पे 0 का 0, 2 का 2, 3 में 3 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब 5 आपका नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे हमने लिख लिया 5 को। इसके बाद आपको किससे भाग देना है, अब 2000 से 100 सॉरी 1000 2 जा 2000, तो 2000 अब अपन माइनस कर रहे, सब्ट्रैक्ट करते तो 5, 2, 0 का 0, 2 में 2 माइनस हुए तो 0। तो आपका कोशेंट कितना आया, यहाँ पे आपका जो कोशेंट है वो कोशेंट आया आपका 32, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 25, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, ये ध्यान रखिए। इसी तरह आप कितने 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि आप 45,543 को 10,000 से जब डिवाइड करते हैं तो 40,000 आपने 40,000 से डिवाइड किया तो आपका माइनस करने पे क्या आया, 3 4 5, और ये 5 और 4 में 4 माइनस हुआ तो 0। तो आपका कोशेंट कितना आ गया 4, और रिमाइंडर बचा आपका 5543। आपको जितने भी इसके लेफ्ट क्वेश्चन है मैंने आपको 10, 100, 1000 और 10,000 का डिवाइड सिखाया। इसमें कई क्वेश्चन हैं आपके 10, 100 और 1000 से डिवाइड करने को, आप खुद करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, वेरीफाई योर आंसर। देखिए, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने आपको वेरीफाई करना सिखाया था, ठीक है। अब हम एक बार फिर से सिखा रहे हैं, डिवाइड सेम होता है, वेरीफाई सेम होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये अलग प्रकार से होगा, वो भी सेम ही होगा। अब 2573 को 14 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप 14 का टेबल नहीं याद है तो 14 का टेबल लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए, कोई भी नंबर के टेबल यदि आपसे नहीं आती आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लगेगा बट आपका आंसर राइट आएगा। अब आपको 14 से 2573 को डिवाइड करना है तो 25, तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 14 बन जा 14,
अब आपका 5 में 4 गया, 1 आया, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 आया, और आपका क्या है ये 7 नंबर आपने नीचे लिख लिया, ठीक है, लिख लिए 7 नंबर। अब आप 117, तो 14 का टेबल पढ़िए कि 117 से ज़्यादा ना हो। यदि आपको टेबल नहीं याद होती है तो तुरंत आप अपनी टेबल देख के बता सकते हैं कि 14 8 जा 112। तो हम लिख देते हैं 14 8 जा 112, और जब आपने माइनस किया तो 7 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 आया, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट 0। अब आपका 3 नंबर, जो ये 3 नंबर है वो इधर पे उतर के आ गया, हमने नीचे लिख लिया। अब ये 53, तो 14 3 जा 42 करेंगे तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1 आया, और 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया। अब देखिए आपका कोसेंट कितना 183, रिमाइंडर कितना है 11, और डिवीजर कितना है 14। अब आपको चेकिंग करना है या वेरीफाई करना है आंसर का, तो जब आंसर का वेरीफाई करते तो हम कोसेंट लिखे 183, डिवीजर 14 और रिमाइंडर 11। अब आप डिवाइडेड का फार्मूला क्या लगाएंगे, कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, तो 183 इंटू 14 प्लस 11, तो आपने जब 183 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 2562 आया, और प्लस 11 कर दिया तो 2573 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एफ नंबर सिखा रही हूँ, 95,356 को 96 से डिवाइड करना है। देखिए बेटा 96 हो 81 हो, आपके में 65 की टेबल दी गई है, 25 पूछा गया है, 23 से डिवाइड करने को पूछा गया है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना, बस आप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार कर लीजिए जैसे मैंने ये की हुई है। देखिए आपको आ रहा है ना समझ में, चाहे वो कितने नंबर की हो, यदि आपसे नीचे वाले डिवाइड पूछा गया, देखिए 216 जो नीचे वाले टेबल आपसे 216 178 356 274 इन सब की टेबल बेटा बनती नहीं है, इनको हमको क्या करना चाहिए, एक बार इनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल को रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा और आपके लिए सरल भी रहेगा, ठीक है। तो जितने भी ये डिवाइड वाले क्वेश्चन हैं आपके 2 से लेके 5 तक, इसको पूरा आपको करना है, 2 से लेके कहाँ तक 5 तक, और मैं आपको क्वेश्चन आगे वाला समझाती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ 96 की टेबल तैयार की, मुझसे तो नहीं आती 96 की टेबल, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अब आपका 96 से आपने डिवाइड किया तो आपका ये 95 है, तो आपका 2 डिजिट तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 डिजिट लेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि 96 से कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 953 से आपका ज़्यादा ना आए। तो हम देखिए इस टेबल में ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका क्या है 96 9 जाए 864, और यहाँ 953 है, तो हमने 96 9 जा 864 लिया। अब देखिए हमने माइनस किया तो 13 में 4 आपका माइनस हुआ तो कितना आ गया 9 आ गया, और आपका 14 में 6 माइनस हुआ तो आपका 8 आ गया, 8 में 8 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब ये 5 वाला नंबर क्या नीचे आ गया, अब क्या है आपका 895। अब 895 आप देखिए यहाँ 96 की टेबल में 798 है, 96 9 जाए 864 है, तो हम फिर से क्या लेंगे 96 9 जा, तो 864 आया। अब 864 आया तो आप देखिए 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हुए 1 आया, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुए 3 आया, 8 में 8 सब्ट्रैक्ट हुए 0 आया। अब आप क्या करेंगे 6 को नीचे लिख लेंगे तो 316, तो 96 की टेबल में 316 से ज़्यादा ना हो, इसलिए हम कौन सा नंबर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 96 3 जा, आपको दिख रही है टेबल 288, तो 96 3 जा लेंगे 288, तो आपका 16 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 आया, और 10 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 आया, और 2 में 2 सब्ट्रैक्ट हुए 0 आया, ठीक है। तो ये आपका कोसेंट है 993, डिवीजर है 96, और आपका रिमाइंडर है आपका 28, ये रिमाइंडर है आपका 28। अब हम चेकिंग करते हैं, आंसर को चेक करते हैं, वेरीफाई करना है, तो आपको मैंने क्या सिखाया है वेरीफाई करने के लिए, डिवाइडेंड
डिवाइडेंट इक्वल कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, तो 993 इंटू 96 प्लस 28, तो जब 993 को 96 से मल्टीप्लाई किया तो 95,328 आया, अब प्लस 28 कर दिए तो आपका आ गया 95,356। देखिए ये आ गया, ये मैच कर रहे हैं ना दोनों, यही आपका आंसर। यदि दोनों सेम आ गए डिवाइडेंट तो आपका मतलब आंसर सही है, मतलब आपको कोई भी डिवाइड आसानी से कर सकते हैं उसकी टेबल बना के। इसी तरह मैं आपको ई नंबर का क्वेश्चन सिखा रहे हैं, 20,675 81 से आपको डिवाइड करना है, आप 81 की टेबल बना लो। देखिए ये बनी हुई है टेबल, ठीक है, टेबल बनाना ज़रूरी है, चाहे आपका 264 पूछे चाहे 126 पूछे डिवाइड करने को, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमको टेबल लर्न करना है, इतनी टेबल कोई नहीं लर्न कर सकता। आप इसके लिए एक टेबल तैयार कर लीजिए, तो हमने 81 की टेबल तैयार कर ली। अब देखिए 206 को हम 81 से डिवाइड करेंगे तो आपको कौन सा नंबर ले लें कि आपको 206 से ज़्यादा ना हो। अब देखिए 81 3 जा तो 243 है, तो हम 2 जा लेंगे, कौन लेंगे 2 जा, तो हमने जब 2 जा लिया तो 162 आया। आप 6 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 आया, और 10 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 आया, और आपका 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया। अब 7 नीचे उतर के आ गया आपका। अब आपको टेबल पढ़नी है 81 की, कि 447 से ज़्यादा ना हो। अब 447 से ज़्यादा ना हो तो 81 5 जा, देखिए 405 है, और 81 6 जा 486, तो हम क्या लेंगे 405, ठीक है 5 जा लेंगे, 81 5 जा तो 405 लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया 7 में 5 सब्ट्रैक्ट हुए 2 आया, 4 का 4 आ गया, 4 में 4 माइनस हुए तो 0 आ गया। अब हमारा 5 नंबर नीचे उतर के आ गया 425, तो आप देख रहे थे कि 6 जा तो 486 है, तो हम 5 जा ही लेंगे 405। अब 5 में 5 सब्ट्रैक्ट हुए 0, 2 का 2 आ गया, ठीक है 4 में 4 सब्ट्रैक्ट हुए माइनस आया। अब आप चेकिंग कर रहे हैं तो डिवाइडेंड निकालना है, तो कोसेंट इंटू डिवीजर इंटू रिमाइंडर, तो 255 को आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20,655 आया, और आपने जब उसमें 20 प्लस कर दिए तो आ गया आपका 20,675, मतलब ये आंसर और आपका ये डिवाइडेंट सेम आ गया, ये आपका और ये सेम आएगा तभी आप वेरीफाई हो गया आंसर में, ठीक है। तो अब बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 से डिवाइड करना। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइडेड फॉलोइंग द वेरीफाई आंसर, 14 दिया, 65 दिया, 25 दिया, 81 दिया, 96 दिया, इन सब की आप टेबल बना के इन सबको डिवाइड करिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। आपको चेकिंग करना इसलिए ज़रूरी है, वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए यदि आप चाहे तो हर क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम होती है वैसे सीखने के लिए बहुत ही अच्छा, आपके पास टाइम बहुत है, आप अच्छे से डिवाइड इस समय सीख सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 63,846 और 216, तो आप 216 की पहले टेबल बना लो। इसी तरह 178 की टेबल, कोई भी डिवाइड करने के पहले उसकी टेबल तैयार कर लो, ये नहीं कि इकट्ठा टेबल तैयार करने, नहीं, टेबल तैयार करो, डिवाइड करो, वेरीफाई करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो उसकी टेबल तैयार करो। तो आपको ये सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक, 2 से 5 ओनली डिवाइड है और आपको वेरीफाई करना है, तो ये सारे नंबरों की आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 2 से 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, उनकी टेबल बनाइए, उनको डिवाइड करना सीखे, और मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, बाय बाय।